हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको बेसिक तो ज़रूर पता होना चाहिए कि फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यूज़ में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग के बारे में। आखिरी में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि फोर्जिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को शेप दिया जाता है, और ऐसा करने के लिए उस मेटल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, मैनुअल हैमर की मदद से या फिर पावर हैमर की मदद से या फिर डाई की मदद से। मेटल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से पहले उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट कर लिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा जो फोर्स है जिसे हमें एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करना पड़ रहा है उसका अमाउंट कम हो, यानी कि कम फोर्स में हम उसे शेप दे पाए मेटल को। टेम्परेचर के आधार पर फोर्जिंग प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। पहला होता है कोल्ड फोर्जिंग, जो कि एक तरह का कोल्ड वर्किंग है, और दूसरा होता है वार्म फोर्जिंग या फिर हॉट फोर्जिंग, जो कि एक तरह का हॉट वर्किंग प्रोसेस है। हॉट फोर्जिंग यानी कि हॉट फोर्जिंग में क्या होता है, जो मेटल है उसे हीट करना पड़ता है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा, यानी कि अगर हम किसी मेटल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसके बाद उसे फोर्ज करते हैं यानी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसे शेप देने के लिए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हॉट फोर्जिंग प्रोसेस। अलग अलग मेटल के लिए हॉट फोर्जिंग टेम्परेचर रेंज जो है वो भी अलग अलग होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब बात करते हैं हम कोल्ड फोर्जिंग की। कोल्ड फोर्जिंग रिफ़र करता है, यानी कोल्ड फोर्जिंग का मतलब ये होता है अगर हम किसी मेटल को रूम टेम्परेचर पर फोर्ज करते हैं या फिर उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, किसी चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होना चाहिए, उस टेम्परेचर पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अपने मेटल को दूसरा शेप देते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फोर्जिंग आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो भी पार्ट फोर्जिंग से बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ मोर रिलायबल एंड लेस कॉस्टली, ये जो प्रोसेस है वो लेस कॉस्टली है। दूसरा है इट ऑफर्स बेस्ट रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट, यानी कि हीट ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है फोर्ज मेटल जो है, फोर्ज जो वर्क पीस है वो। इट ऑफर्स मोर कंसिस्टेंट एंड बेटर मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है फोर्जिंग प्रोसेस की वजह से। इट ऑफर्स ब्रॉड साइज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें आप छोटे से लेकर बड़े साइज तक किसी भी रेंज के साइज के जो मेटल है वर्क पीस है उसको आप फोर्ज कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स फ्यूअर सेकेंडरी ऑपरेशन, यानी कि सेकेंडरी ऑपरेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है फोर्ज प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि हो गया आपका मशीनिंग करना नहीं पड़ेगा उसे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग की। तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है फोर्जिंग में, और जो मेटल है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप उसे उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अगर फोर्ज करेंगे, यानी कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक प्रेस और पावर प्रेस इस टाइप की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सब मटेरियल कैन नॉट बी फोर्ज्ड इन दी फोर्जिंग प्रोसेस, कुछ मटेरियल जो है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें फोर्जिंग प्रोसेस पे हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी फोर्जिंग के ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।